आज है 28 मई 2022, और 28 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए गोपाल कृष्णन। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशक डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया है, जो विश्व खनन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी है। इस कांग्रेस का आयोजन कोयला गैसीकरण एल्यूमिनियम और इस्पात क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केलेग्नेरिंग अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम के स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केलेग्नेरिंग अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु के किसानों को नारियल के पौधे, घरेलू खेती के पौधे, बागवानी के पौधे, खेती के लिए आवश्यक स्प्रे, सब्जी उद्यान के लिए किट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी नागरिक बनने के लिए मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 पदक। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर 2022 शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर 2022 शुरू हुआ है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिखर धवन। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में यह खास उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक।
अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। इनका संबंध हरियाणा से। भारतीय सेना के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और उप प्रमुख BS राजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म्स के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO बने हैं। JSW ग्रुप के बारे में जानकारी, JSW समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह ओपी जिंदल समूह का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक संजय जिंदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 54वें। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 46 स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। इस सूचकांक में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जोस रामोसा होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।